हिमालय की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश अपनी असीम सुंदरता और एट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेसेस की वजह से टूरिस्टों में काफ़ी पॉपुलर है। हिमाचल में घूमने और देखने के लिए बहुत से अच्छे अच्छे प्लेस हैं। यहाँ पर टूरिस्टों को अट्रैक्ट करने और देखने के लिए हरियाली से हरे भरे ऊँचे ऊँचे पहाड़, बर्फ़ से ढके हुए ग्लेशियर, वाटरफॉल्स, झील और प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ की एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी टूरिस्टों में काफ़ी पॉपुलर है, जिसके लिए वर्ष भर टूरिस्ट यहाँ आते रहते हैं। यहाँ की रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, आइस स्केटिंग, राफ्टिंग और हेली स्कीइंग टूरिस्टों में काफ़ी पॉपुलर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिमाचल प्रदेश के उन प्लेसेस के बारे में बताऊंगा जो कि देखने और घूमने के लिए बहुत अच्छे हैं और जहाँ पर वर्ष भर सैलानी जाना पसंद करते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊँगा कि आप हिमाचल प्रदेश कब जाएँ, कैसे जाएँ और कहाँ रुकें। इन सब की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें। हिमाचल प्रदेश में घूमने की जगहों में सबसे पहला प्लेस है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। यहाँ पर आप टॉय ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। भारत में ऐसे बहुत ही कम हिल स्टेशन हैं जहाँ पर आप टॉय ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कालका शिमला रेलवे टूरिस्टों में काफ़ी पॉपुलर है। यकीन मानिए, आपको इस टॉय ट्रेन की यात्रा बहुत अच्छी लगेगी और आप इस यात्रा को अपने जीवन के यादगार लम्हों में ज़रूर शामिल करेंगे। 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शिमला हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ पर लोग अपने फ्रेंड्स तथा फैमिली के साथ शिमला की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा शिमला न्यूली मैरिड कपल्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है। न्यूली मैरिड कपल्स अपने लाइफ की शुरुआत शिमला की खूबसूरत वादियों से करते हैं। शिमला में घूमने और देखने के लिए बहुत से अट्रैक्टिव प्लेस हैं। आप यहां पर क्राइस्ट चर्च, मॉल रोड, द रिज एंड स्कैंडल पॉइंट, जाखू टेंपल, समर हिल, चाडविक फॉल्स, शिमला स्टेट म्यूजियम और नारकंडा जैसी जगहों पर जा सकते हैं। शिमला से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित कुफरी हिमाचल प्रदेश के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। यह प्लेस बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर टूरिस्टों को अट्रैक्ट करने और देखने के लिए फागू वैली, कुफरी फन वर्ल्ड और एप्पल के बाग हैं। इसके अलावा आप यहां पर एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को भी एंजॉय कर सकते हैं। आप यहां पर हॉर्स राइडिंग का भी आनंद उठा सकते हैं। यहां पर सर्दियों के दौरान काफ़ी बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से शिमला आने वाले टूरिस्ट कुफरी ज़रूर आते हैं और यहां पर बर्फ़ के खेलों का आनंद उठाते हैं। 12,500 फीट की ऊँचाई पर स्थित स्पीति वैली देश के सबसे अधिक ठंडे स्थानों में से एक है। यहाँ पर आपको हर तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। यह जगह बहुत ही अच्छी और बहुत खूबसूरत है। यह जगह लगभग 6 महीने तक बर्फ़ से ढकी रहती है, जिसकी वजह से आप यहां पर सर्दियों के दिनों में नहीं जा सकते हैं। आप यहां पर गर्मियों के दिनों में जाकर इस खूबसूरत प्लेस के खूबसूरत नज़ारों और बर्फ़ के खेलों का आनंद उठा सकते हैं। 1230 मीटर की ऊँचाई पर स्थित कुल्लू अपनी नेचुरल ब्यूटी, रिवर एंड ग्रीनरी की वजह से टूरिस्टों में काफ़ी पॉपुलर है। नेचुरल लवर्स के लिए तो यह जगह जन्नत के समान है। आप यहां पर नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के साथ साथ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। आप यहां पर रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग जैसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं। आमतौर पर हिमाचल आने वाले टूरिस्ट कुल्लू और मनाली दोनों एक साथ ही घूमते हैं। प्रकृति प्रेमियों और प्रेमी जोड़ों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। मनाली अपने हरे भरे जंगलों, घास के मैदानों और नदियों की वजह से टूरिस्टों में काफ़ी पॉपुलर है। मनाली में घूमने और देखने के लिए बहुत से अच्छे अच्छे प्लेस हैं। आप यहां पर मनु टेंपल, जोगिनी वाटरफॉल्स, वशिष्ठ टेंपल, नगर कैसल, पिन वैली नेशनल पार्क, रोहतांग पास और हिडिम्बा देवी टेंपल जैसी खूबसूरत और शानदार जगहों पर जा सकते हैं और अपनी कुल्लू और मनाली ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट प्लेसेस में धर्मशाला का अपना एक अलग ही महत्व है। दलाई लामा के पवित्र निवास स्थान के रूप में जाना जाने वाला धर्मशाला कांगड़ा से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। यह एक ऐसी जगह है जहां पर जाकर आपको अच्छा लगेगा। यहां पर टूरिस्टों को अट्रैक्ट करने और देखने के लिए स्टेडियम, मेमोरियल, लेक्स, टेंपल्स और वाटरफॉल्स जैसी बहुत सी जगहें हैं जहां पर जाकर आपको अच्छा लगेगा और आप बार बार यहां आना चाहेंगे। आप यहाँ पर धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, वॉर मेमोरियल, डल झील, नाड़ी धर्मशाला, ज्वालामुखी देवी मंदिर, भागसु वाटरफॉल्स और दलाई लामा मंदिर परिसर जैसे प्लेसेस पर घूम सकते हैं। लैंड ऑफ गॉड के रूप में जाना जाने वाला किन्नौर शिमला से लगभग 235 किलोमीटर दूर है। ऐसी मान्यता है कि किन्नौर
भगवान शिव और पांडवों की कहानियों से भी संबंध रखता है। यह एक ऐसी जगह है जो कि सतलुज, बसपा और स्पीति नदी के बीच स्थित है। यह जगह हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं वह किन्नौर कैलाश भगवान शिव के दर्शन करने जरूर जाते हैं। मनाली से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित सोलंग वैली हिमाचल प्रदेश का एक बेहद ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। यह प्लेस अपने एडवेंचरस एक्टिविटीज़ की वजह से टूरिस्टों में काफ़ी पॉपुलर है और वर्ष भर टूरिस्ट यहां आना पसंद करते हैं। आप यहां पर पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग और हॉर्स राइडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का पालमपुर अपने देवदार के जंगलों और चाय के बागानों के लिए टूरिस्टों में काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा यहाँ की हरियाली और यहाँ पर बहने वाली नदियाँ प्रकृति के एक अलग स्वरूप को प्रस्तुत करती हैं, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। पालमपुर के चाय के बागान और उनकी अच्छी क्वालिटी पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगर आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ की चाय की चुस्की लेना ना भूलें। बीर बिलिंग अपने रोमांचकारी खेलों और मेडिटेशन के लिए जाना जाता है। यह एक छोटा सा शहर है जो कि पैराग्लाइडिंग के लिए पूरी दुनिया के सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है, जो कि अपने आप में ही इस शहर को खास बनाती है। इसमें टेक ऑफ साइट को बिलिंग कहा जाता है और लैंडिंग साइट को बीर कहा जाता है। इसके अलावा बीर शहर मेडिटेशन के लिए भी जाना जाता है और यह मेडिटेशन का एक प्रमुख केंद्र भी है। बात करें यदि वहाँ जाने की तो आप हिमाचल प्रदेश पूरे वर्ष भर जा सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश जाने का बेस्ट टाइम जो है वह है मार्च से लेकर जून तक का। आप यहाँ पर मार्च से लेकर जून तक पूरा हिमाचल घूम सकते हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। यदि आप बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और बर्फ़ के खेलों को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप यहाँ सर्दियों में जा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के दौरान यहाँ काफ़ी बर्फबारी होती है। सर्दियों के दौरान आप यहाँ पर बर्फ़ के खेलों के साथ साथ स्नोफॉल का भी आनंद उठा सकते हैं। बरसात के दिनों में हिमाचल जाने से बचें, क्योंकि पहाड़ी राज्य होने के कारण यहाँ पर काफ़ी बारिश होती है, जिसकी वजह से आपको घूमने में परेशानी हो सकती है और आप अपने पूर्व निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से नहीं घूम सकते हैं। बात करें यदि यहाँ के होटल्स की तो हिमाचल प्रदेश भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक होने के कारण यहाँ हर तरह के होटल्स मौजूद हैं। आप यहाँ पर अपने बजट के हिसाब से होटल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं और वहाँ पर रुक सकते हैं। बात करें यदि वहाँ जाने की तो आप यहाँ पर बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों ही तरीकों से जा सकते हैं। अगर आप अपनी यात्रा बाई ट्रेन करते हैं तो सबसे पहले आपको कालका आना होगा। कालका देश के सभी मेजर रेलवे स्टेशनों से वेल कनेक्ट है। कालका से शिमला के लिए आपको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल टॉय ट्रेन में सफ़र करने का मौका मिलेगा, जो कि कालका से शिमला तक का होगा। अगर आप अपनी यात्रा बाई रोड करते हैं तो हिमाचल प्रदेश देश के सभी राज्यों से नेशनल हाईवे के थ्रू वेल कनेक्ट है। आप यहां पर बस या टैक्सी से इजीली आ जाएंगे। अगर आप अपनी यात्रा बाई फ्लाइट करते हैं तो सबसे पहले आपको चंडीगढ़ आना होगा। चंडीगढ़ से आप फ्लाइट बदलकर शिमला तक पहुँच सकते हैं। चंडीगढ़ से शिमला तक जाने के लिए फ़्लाइट के अलावा हेलीकॉप्टर सेवा भी मौजूद है। आप चाहें तो हेलीकॉप्टर के थ्रू भी चंडीगढ़ से शिमला 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।